माँ, अब आप इस घर में और नहीं रहोगे, कहीं और ठिकाना ढूंढ लीजिए अपना। ये क्या कह रहा है बेटा तू? सही तो कह रहे हैं, आपके रहने से हमारी सारी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे कितनी मेहनत से पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका ये सिला दे रहा है तू मुझे? माँ प्लीज यार, अपने 90s वाला ड्रामा ना फिर से मत शुरू करो। आपको पता है मेरे महीने के आधे से ज्यादा सैलरी आपके दवाइयों में चली जाती है। पिछले एक साल में हम दोनों सिंगल वेकेशन पे नहीं गए सिर्फ आपकी वजह से। पर प्लीज अब और नहीं चल सकते आपको, आप जाओ यहां से। बेटा तू सही कह रहा है, अब तूने सोच ही लिया है तो मैं कुछ करती हूँ। हाँ जी, शर्मा प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं जी। मुझे एक कमरे का घर चाहिए था, किराया कितना? 5,000। एक मिनट बेटा, 5,000 किराया तो भर लोगे ना? मैं क्यों भरूंगा किराया? हाँ जी, हाँ जी मम्मी जी, हम भर देंगे, आप बोल दीजिए। अरे भर देंगे यार, कौन सा मैं हर महीने भरने, कम से कम इससे 20,000 जुड़ेगा। हाँ मैम, किराया मैनेज हो जाएगा। शर्मा जी, आप किराए की तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मेरे बेटे बहू आपको एकदम टाइम से किराया देंगे और आपका घर अपना घर समझ के अच्छी तरह से रखेंगे। हम उनके घर को अपना घर समझ के क्यों रखेंगे बेटा? क्योंकि तुम दोनों ही तो इस घर से जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए तो बात कर रही हूँ। क्या बकवास है ये? एक मिनट बात तो पूरी होने दो। हाँ जी शर्मा जी, क्या रोज सिर्फ आधा घंटा ही पानी आता है? चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। हाँ दोनों बाल्टियां भर लेंगे, और जिनके दिलों में इतना मैल भरा हो उन्हें नहाने की जरूरत ही क्या है। फोन लाओ वहां पे दत्त। एक मिनट बेटा। हाँ जी हाँ जी, अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट बहू, तुम दोनों पब्लिक टॉयलेट का यूज तो कर लोगे ना? पब्लिक टॉयलेट? हाँ, शर्मा जी बता रहे हैं कि वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय का यूज करना पड़ता है, और ज्यादा नहीं 1-1.5 घंटा ही लाइन में लगना होगा। जो मैं वो बोले जा रहे हो क्या? एक मिनट क्या? अच्छा खिड़कियां भी नहीं है घर में? लो ये तो और अच्छा हो गया, एसी की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, खर्चा बच गया बच्चों का। माँ फोन लाओ इधर, मैं बात करता हूँ शर्मा जी। एक मिनट आपका मकान मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ही पसंद आ गया। हाँ उतावला हो रहा है बात करने के लिए आपसे। लीजिए बात कीजिए, ये ले बात कर। हेलो, नहीं जी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें कोई घर नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अरे 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 फोन क्यों काट रहा है? ओहो शर्मा जी नाराज हो गए ना, तो इतनी प्रेशियस प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं हमें। क्या बकवास कर रहे हो, पिछले 10 मिनट से हम आपको इस घर से भेजने की बात कर रहे हैं, खुद जाने की बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। अच्छा बेटा, ये सोचने से पहले तुम दोनों ये भूल गए कि जिस घर में तुम रह रहे हो ना, फिलहाल तो वो मेरे नाम पर है, समझे? मैं सोच रही थी कि मेरी अब उम्र हो रही है, ये बिजनेस ये प्रॉपर्टी मैं तुम दोनों के नाम कर दूँ, पर अच्छा किया मैंने ये सब नहीं किया, नहीं तो आज मैं सड़क पर होती। अरे अरे माँ, आप तो बुरा मान गए, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ, हम मजाक कर रहे थे। पानी दो। हाँ अरे मम्मी जी, आप खड़ी क्यों है, बैठ जाइए ना। और खबरदार है, आज के बाद से प्रैंक करने के लोग चाहे मेरे को तो। जी बिल्कुल नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। बेटा खामखा ये नाटक मत कर, तू मेरा बेटा है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुझे। फिलहाल तो तुम दोनों अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से कम तुम दोनों को देख के लोगों को ये सीख तो मिलेगी कि अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम अपना बिजनेस और अपना घर कभी नहीं करना चाहिए। परमा हम आपके बच्चे हैं, आप हमें थोड़ी निकालोगे इस घर से। बेटा अभी थोड़ी देर पहले तू भी मुझे निकाल रहा था ना, वैसे भी जो औलाद अपने माँ बाप की सगी नहीं है वो किसी की सगी नहीं हो सकती, और ऐसी एहसान फरामोश औलाद की मेरी घर में तो कोई जगह है ही नहीं। निकलो यहाँ से। माँ प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। निकलो यहाँ से, चलो अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है।